वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको शक्करपारे यानी कि इसको हम पेठे भी बोल सकते हैं वो बनाना बताऊंगी। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अंदर चाशनी वाले शक्करपारे बनाए थे। आज जो मैं आपको दिखाऊंगी वो बाहर शक्कर की कोटिंग करके बताऊंगी। ये शक्करपारे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है। इनको बनाकर हम एयर टाइट कंटेनर में कम से कम 2 महीने तक हम इन्हें सेफ रख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन गैस पे रखा है, उस पे मैंने 1 कप पानी ऐड किया है। गैस की फ्लेम को हम फुल कर देंगे। पानी अच्छा गर्म होने लग जाएगा तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। पानी गर्म हो गया है तो चलिए गैस को बंद कर देते हैं। आधा कप मैंने यहाँ पर घी लिया है तो ये इसमें हम ऐड कर देंगे। आप चाहे तो तेल भी ले सकते हैं। सभी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा इसको हम ठंडा होने देंगे। पानी को मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम मैदा ऐड करेंगे। जितनी मैदा आएगी उसी से हमें डो तैयार करना है। धीरे धीरे करके हमें मैदा ऐड करनी है और अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है। इस तरह का हमें डो तैयार करना है। आप देख सकते हैं ज्यादा इसको हमें टाइट नहीं रखना है, बिल्कुल इस तरह रहना चाहिए। 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए इसको अब हम रख देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। डो को अच्छी तरह से एक बार हम फिर से इसको मैश कर लेंगे। और इसके हम 2 भागों में इसको डिवाइड करेंगे और अच्छे से इसकी हम लोई बना लेंगे। इस तरह मैंने 2 लोई बना के रख दी है। अब एक चकला या बोर्ड की मदद से हमें इसको बेलना है। हल्की से हम चिकनाई लगा देंगे। यहाँ पर मैंने चकला लिया है, इस पे मैं लोई को रखूंगी। इसको अब हम बेल लेते हैं। ज्यादा पतला हमें नहीं बेलना है। इस तरह हमें इसको बेलना है, इतना मोटा ही रखना है। ये देखिए नाइफ की हेल्प से हमें इसको कट करना है। आप कोई सा भी शेप इसको दे सकते हैं या फिर कटर से भी कट कर सकते हैं। बहुत सारे के कटर भी आते हैं मार्केट में, लेकिन यहाँ पर मैं जो है इसको लंबे शेप में कट करूंगी क्योंकि जो पेठे होते हैं वो लंबे शेप में ही अच्छे लगते हैं। इस तरह बड़े आसानी से कट हो जाते हैं। जब तक हम पेठे कट करते हैं, एक साइड हम गैस पे तेल भी चढ़ा देंगे ताकि वो गर्म हो जाए। साइड का जो पार्ट है वो हम हटा देंगे। इधर से भी हम कट करेंगे। ये हमें निकालना है साइड का। इस तरह हमें कट करना है। सभी को हमें इस तरह कट करना है। मैंने सभी को कट कर लिया है तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तेल अच्छा गर्म हो गया है। आप चाहे तो घी में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके हमें इसमें ऐड करना है। जितने आएंगे उतने ही हम इसमें ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को हमें भी फुल ही रखना है। अब हम गैस का फ्लेम कम कर देते हैं ताकि ये अच्छे से सिक जाए। एक बार हम इन्हें पलट देंगे। पेठे जो है हमारे अच्छी तरह से सिक गए हैं तो चलिए इन्हें अब हम निकाल लेते हैं। ज्यादा हमें इन्हें नहीं सेकना है। गैस की फ्लेम को हम फुल कर देंगे और 1 बाय 1 करके हमें बिल्कुल वैसे ही डालने हैं। डालने के 1 मिनट बाद ही हमें गैस को कम करना है।
जब तक ये पेठे फ्राई होते हैं हम इधर चाशनी बना लेते हैं, फ्लेम को कम भी कर देते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप पानी लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, गैस को फुल कर देंगे। एक कप हम ऐड करेंगे शक्कर, शक्कर को अच्छे से हम एक बार हिला देते हैं। शक्कर जो है मेल्ट हो गई है तो गैस की फ्लेम को कम कर देंगे और चाशनी को थोड़ा सा हम गाढ़ा होने देंगे। इसमें हमें चाशनी दो तार की बनानी है। पेठे भी हमारे सीख गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं और गैस को बंद कर देंगे। चाशनी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल हमारे इसमें तार बनने शुरू हो गए, आप देख सकते हैं। तो गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे और थोड़ा सा इसको हम ठंडा होने देंगे। जो शक्करपारा यानी कि पेठे हमने बनाए थे वो इसमें अब हम डाल देंगे चाशनी के अंदर और सभी को अच्छे से हम हिला देते हैं। हल्के हाथ से ही हिलाने हैं हमें, ज्यादा जोर से नहीं हिलाने हैं, इस तरह। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप एक बार जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। इस तरह हमें हिला के 2 मिनट इसी में ही इसको रहने देना है। आप देख सकते हैं चीनी की कोटिंग इन पर आ गई है, ये देखिए। यदि आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो इनको आप निकाल लीजिए, और ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी देर इसको और इसमें रहने दीजिए ताकि चीनी की जो कोटिंग है ऊपर से अच्छी तरह इसमें आ जाए। लेकिन बीच बीच में हमें इसको हिलाते रहना है, नहीं तो ये चिपक जाएंगे। अब चीनी की कोटिंग ऊपर आने के लिए इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए पूरी चीनी हमारी इसमें बराबर रही है, आप देख सकते हैं बराबर हमारी चीनी इसमें रही है, बिल्कुल भी जो है कम भी नहीं पड़ी और ज्यादा भी नहीं हुई है। ये देखिए थोड़ा सा इसको हम फैला देंगे और थोड़ा और हम इसको ठंडा होने देंगे। शक्करपारे बनकर हमारे तैयार हो गए हैं, बहुत ही अच्छी और टेस्टी शक्करपारे बने हैं। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट रेशो के साथ मैंने आज आपको शक्करपारे यानी कि मीठे पेठे बनाना बताया है। ये रेसिपी बहुत ही इजी है। शक्करपारे बनाते समय हमें इतना ही ध्यान रखना है कि इसका जो हम डो लगाएंगे वो थोड़ा नरम ही हमें लगाना है, और सबसे खास बात यह है कि हमें इसकी चाशनी बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि ज्यादा गाढ़ी चाशनी हमें नहीं बनानी है और ज्यादा पतली भी नहीं बनानी है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और यदि आई है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मेरे और भी वीडियोज देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं, और यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।